स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को कहा है। हरियाणा के 22 में से 10 जिलों में कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है, लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद में लगातार बढ़ते मरीज चिंता बढ़ा रहे हैं। रियाड़ा में कोरोना का असर फिर से बढ़ रहा है। रविवार को कोरोना संक्रमण के 89 मामले सामने आए हैं। पिछले 10 दिन में प्रदेश में दैनिक रूप से मिल रहे कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है, तो एक्टिव केसों में भी उछाल आया है। वर्तमान में गुरुग्राम से 270 संक्रमित हैं, जबकि फरीदाबाद में 34 और सोनीपत में 8 एक्टिव केस हैं। झज्जर, पानीपत, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल और रोहतक जैसे 6 जिले हैं, यहां एक सप्ताह से अधिक समय में संक्रमण दर 0 है। प्रदेश में 30 मार्च को जहां 41 मरीज मिले थे और एक्टिव केस 290 थे, वहीं शनिवार को 87 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें से एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 363 पर पहुंच गई है। इस दौरान दैनिक संक्रमण दर 0.33% से बढ़कर 1.47% पर आ गई है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला 3.30% साप्ताहिक संक्रमण दर के साथ शीर्ष पर है, जो उत्तरी भारत में राजस्थान के पाली को छोड़कर सबसे ज्यादा है। प्रदेश में फरीदाबाद 2.38% संक्रमण दर के साथ दूसरे और फतेहाबाद 1.23% संक्रमण दर के साथ तीसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।